बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो आज की वीडियो के दिन हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 600 कवर करने जा रहे हैं। तो अगर उसे प्रीवियस लेक्चर की बात की जाए तो प्रीवियस 5-6 लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री के पहले इंट्रोडक्शन की बात की थी, फिर चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो जो फार्मूला यूज हो रहे हैं उनको डिटेल में ओवरव्यू किया था कि आप इनको याद कैसे कर सकते हैं, किन टिप और ट्रिक के थ्रू ये आपको रिमेंबर रहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमने एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, जिनका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और आ जाते हैं क्वेश्चन के स्टेटमेंट की तरफ। इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को करने से पहले मैंने जितने फॉर्मूले एक्सरसाइज के अंदर यूज़ हो रहे हैं वो मैंने साइड पे लिख लिए हैं, ताकि जब मैं क्वेश्चन करूँ तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये फार्मूला कहाँ से आया है। आपके सामने लिखा होगा तो आप इसी इजीली इसको कवर कर सकेंगे। अब जहन में क्वेश्चन आता है कि फार्मूले यहाँ पर तो सामने लिखे हुए हैं लेकिन पेपर में सामने लिखे नहीं आएंगे, तो उसके लिए आपके पास क्या है कि आपने जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ये फार्मूले ऑटोमेटिकली आपके जहन में बैठ जाएंगे, आपको रटा लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ फोकस करूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि शो दैट कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1। ठीक है, अब इस साइड को इन दो साइड के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो मेरे पास मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूं। अब लेफ्ट साइड मेरे पास क्या है कि कॉस अल्फा। ठीक है, अब इस साइड को मैंने सॉल्व करके इक्वल प्रूव करना है। तो मैंने ये सामने फार्मूले लिखे हुए हैं, अब इनमें से तो कोई फार्मूला यूज ही नहीं हो रहा, तो मैं इस क्वेश्चन को उस फार्मूले में कन्वर्ट कर लूंगा। अब मैं कैसे कन्वर्ट कर लूंगा? ठीक है, जैसे मेरे पास 1 लिखा हो, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 + 1/2, क्योंकि मैं अगर एलसीएम लूंगा तो वापस 2/2 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि कॉस अल्फा की जगह α/2 + α/2 ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर फर्दर फोकस करें तो मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है कॉस का प्लस वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो कॉस का प्लस वाला फॉर्मूला क्या है? कॉस अल्फा। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो इस फॉर्मूले को अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास अल्फा भी अल्फा बाय 2 है और बीटा भी अल्फा बाय 2 है। तो जहाँ जहाँ पे अल्फा आएगा वहाँ पे पुट कर दूंगा अल्फा बाय 2, और जहाँ जहाँ बीटा आएगा वहाँ पे भी पुट कर दूंगा अल्फा बाय 2। ठीक है, तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो अब मेरे पास आ रहा है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा बाय 2 का स्क्वायर माइनस साइन अल्फा बाय 2 का स्क्वायर, ये बन रहा था। ठीक है, तो अगर हम फर्दर करें, ठीक है, तो मेरे पास ये चीज़ बन गई है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ना था, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर कॉस का स्क्वायर हो, ठीक है, आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, ये आइडेंटिटी पढ़ी थी। अब इस आइडेंटिटी और इस आइडेंटिटी में क्या चीज़ कॉमन है? मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1। अब जेन में क्वेश्चन आता है, यहाँ पे तो थीटा था, यहाँ पे अल्फा बाय 2 को हम क्यों कर रहे हैं? तो बेसिकली ऊपर वाले जो पार्ट है उसके अंदर हमारे पास आइडेंटिटी में एंगल जो यूज हो रहा था वो थीटा था, अब यहाँ पे एंगल का डिफरेंस आया है, बाकी कॉस और साइन में कोई डिफरेंस नहीं आया। तो अगर कॉस और साइन का एंगल अगर 100 भी हो, दोनों सेम होंगे, तो वो 1 के इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो कॉस का स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस साइन का स्क्वायर अल्फा बाय 2 इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो एक बार मैं कॉस की वैल्यू निकाल लेता हूँ, एक बार मैं साइन की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं कॉस की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो कॉस अल्फा बाय 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये आ जाएगा। तो इस कॉस की वैल्यू को मैं पुट कर लेता हूँ, तो जहाँ जहाँ कॉस होगा मैं पुट कर दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, फिर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये आ जाएगा। जब मैं फर्दर करूँगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट रहता था, अब इक्वेशन जो 1 में लेट की थी, अब इसमें से मैंने कॉस की वैल्यू ली थी, अगर मैं इसमें से साइन की वैल्यू निकालूंगा तो ये दूसरे वाला आंसर आ जाएगा। तो मैं अगर साइन की वैल्यू निकालूँ तो साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं वापस लिख लेता हूं, कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो अब हमें साइन की वैल्यू निकालनी है, माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक है, तो ये कॉस क्या आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसके दोनों के दोनों पार्ट हमने कर लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखा है तो ये डायरेक्ट हमने फॉर्मुला पुट करना है साइन अल्फा का और साइन अल्फा माइनस बीटा का, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट को लिख लेता हूँ, मेरे पास क्वेश्चन क्या है, तो मेरे पास मैं इस साइड को सॉल्व करूँ तो साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो मैं फॉर्मुला पुट कर लेता हूँ क्योंकि फॉर्मुले मेरे सामने लिखे हुए हैं, तो अगर मैं फॉर्मुला पुट करूँ तो मेरे पास आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, हैज इट इज में दूसरा फॉर्मुला पुट कर लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट की तरफ गौर करें तो मैं इस पूरी स्टेटमेंट को कह दूंगा ये ए है, ठीक है, इसको कह दूंगा बी है, ये फिर ए ये बी, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोनों के अंदर वैल्यू सेम है, सिर्फ डिफरेंस आ रहा है माइनस का। तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है ए प्लस बी, उस साइड आ रहा है ए माइनस बी, वो किससे इक्वल होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं फार्मूला इंप्लीमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो जब मैं फार्मूला इंप्लीमेंट करूंगा तो ए की क्या वैल्यू थी, साइन अल्फा कॉस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन बीटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो जब मैं स्क्वायर को ओपन कर लूंगा तो क्या आ जाएगा, साइन का स्क्वायर कॉस बीटा माइनस कॉस का स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब फर्दर कर लेते हैं, अब हमने किसके इक्वल प्रूव करना था कि कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो हम वापस वही आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं कि हमने तीन आइडेंटिटी पढ़ी थी, अब मैंने एक आइडेंटिटी यूज करूंगा, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा, अब मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर अल्फा, दोनों का एंगल सेम लिखता हूं, और कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वन हैज इट इज साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो मैं या तो अल्फा में कन्वर्ट कर लेता हूँ पूरे क्वेश्चन को, या तो बीटा में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो अगर मैं साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगी कि वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल ली और उसकी जगह पुट कर लिया, और कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ये आ गया। जब मैं फर्दर करूंगा तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो अभी पूरा का पूरा पार्ट किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉस में कन्वर्ट हो गया, तो इसको भी कॉस में कन्वर्ट करेंगे। अब कॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि मैं साइन की वैल्यू निकालूंगा, जैसे इसमें मैंने साइन की वैल्यू निकाली तो इसमें भी साइन की वैल्यू निकालूंगा। तो अगर मैं साइन बीटा की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आ जाएगी, तो मैं इसमें पुट कर लेता हूं, ये एस चीज आ जाएगा, तो इसमें से मैं पूरे क्वेश्चन को कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूं तो साइन की वैल्यू निकालूंगा, साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ये आ जाएगा। जब मैं फर्दर करूंगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, तो ये माइनस में था ये प्लस में था, दोनों काट जाएंगे तो मेरे पास आंसर हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 जो कि आज की वीडियो में हम डिस्कस किया। लेकिन हम क्वेश्चन में जहन में ये आता है कि हमने इसको कॉस की वैल्यू क्यों ली, हम साइन क्यों ले सकते हैं, साइन क्यों ली, कॉस भी ले सकते हैं। तो जो क्वेश्चन में हो कॉस है तो कॉस में कन्वर्ट करना है, साइन को खत्म करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे साइन होता तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए कॉस को खत्म करना पड़ता, ठीक है। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री 10.1 क्वेश्चन नंबर 6 आज की वीडियो में सॉल्व किया। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है या कोई क्वेश्चन होता है या कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसके अंदर हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह निगेबान।